शुक्ला और आज हम देखेंगे बेसिकली फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का एक और मेथड, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड वो प्रोसीजर है जिसमें कि आपका हीटेड हाई प्रेशर स्टीम यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज करने के लिए। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है वो बेसिकली आपको थ्री फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। पहला वो टेम्परेचर जो 100 डिग्री से नीचे हो, दूसरा है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और तीसरा है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से अबव। मतलब इन तीन टेम्परेचर पे हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहला है आपका 100 डिग्री से कम पे हम कैसे स्टेरिलाइजेशन करते हैं। जो ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है वो बेसिकली आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और इसमें आपका पैस्टराइजेशन आता है। ठीक, इस मेथड में जो है आपको जो टेम्परेचर एम्प्लॉय किए जाते हैं, मतलब अप्लाई किए जाते हैं, वो है या तो 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए जो कि होल्डर मेथड कहलाता है, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस 20 सेकंड्स के लिए जो कि आपका फ्लैश मेथड कहलाता है, और ये फॉलोड होता है आपका रैपिड कूलिंग से 13 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे भी कम। ये आपका वाइडली एप्लीकेबल मेथड होता है। मतलब 100 डिग्री से कम जो हम यूज करते हैं टेम्परेचर, वो आपको डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क और बटर के स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। इस मेथड से जो आपके नॉन स्पोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेला, सेल्मोनेला, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा जो अदर फ्लूइड और इक्विपमेंट जैसे कि जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होता है उसके वैक्सीन को भी पैस्टराइज किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए एक स्पेशल वॉट बाथ में। उसी तरह आपका सेरम और बॉडी फ्लूइड्स कॉन्जियल प्रोटीन के साथ आपको स्टरलाइज किए जाते हैं 56 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए वाटर बाथ में। पेस्टराइजेशन जो है वो आपको सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को नहीं किल कर पाता है, पर वो क्या करता है कि एक लॉगरिथम रिडक्शन करता है आपका जो वायबल माइक्रोब्स होते हैं, जिससे कि वो फर्दर आपको कोई डिसीज कॉज ना कर सकें। ठीक, तो ये आपका बिलो 100 डिग्री स्टरलाइजेशन था। अब देखते हैं हम एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब किसी भी चीज को हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू 30 मिनट तक बॉईल करते हैं तो जो भी आपके वेजिटेटिव और बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो इजीली किल हो जाते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम को हमें स्टरलाइज करना होता है उसे हम बॉइलिंग वाटर के अंदर 30 से 40 मिनट्स के लिए डाल देते हैं। सपोज करिए ये बीकर है, इसमें वाटर बॉइल हो रहा है, तो जिस भी चीज को हमें इमर्स करना है उसको इसके अंदर डाल देंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए। और अगर हम वाटर में आपको एसिड अल्कली या वॉशिंग सोडा का स्मॉल अमाउंट डालते हैं तो आपको बॉइलिंग वाटर का स्टरलाइजिंग पावर को और बढ़ा देता है। इस 100 डिग्री सेल्सियस पे हम किसी भी कल्चर मीडिया जिसमें कि आपका सुगर या जेलेटिन प्रेजेंट होता है उसको हम स्टरलाइज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए 3 सक्सेसिव डेज के लिए। मतलब फर्स्ट डे हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए उस कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करेंगे, फिर सेकेंड डे करेंगे उसी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए, और फिर थर्ड डे फिर हम उसको करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है, मतलब फर्स्ट डे जो हम इस मीडिया को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो वो क्या करता है, जितने भी वेजिटेटिव बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको वो स्टीम किल कर देता है। और जब सेकेंड एक्सपोजर होता है तो जो भी स्पोर्स होते हैं वो आपको फर्दर किल हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो मेथड होता है जिस कल्चर मीडिया को हम जिस मेथड से स्टरलाइज करते हैं वो हमारा टिंडलाइजेशन, जिसे कि हम इंटरमिटेंट या फिर फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, के थ्रू करते हैं। ठीक, आपका एक
कोच या फिर हम एरनॉल्ड स्टीम स्टरलाइजेशन कह सकते हैं, वो आपको यूजुअली यूज्ड होता है और इसमें एक मेटालिक सिलेंडर होता है और एक रिमूवेबल कोनिकल लिड होता है जिसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है स्टीम के एस्केप करने के लिए। ये देखिए, ये एक आपका मेटालिक सिलेंडर है जिसके ऊपर ये कोनिकल आपका लिड है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है जिससे आपका स्टीम अंदर का बाहर की तरफ जाता है। इसमें आपके बॉटम में नीचे आपका वाटर फिल कर दिया जाता है और एक परफोरेटेड सेल्फ रख दिया जाता है जिसके ऊपर एक जो भी कल्चर मीडिया हम स्टरलाइज करना चाहते हैं, जो भी चीज स्टरलाइज करना चाहते हैं उसको एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर रख दिया जाता है और फिर वाटर के बॉयल होने पे जो स्टीम बनती है जिसके थ्रू आपका ये कल्चर मीडिया स्टरलाइज होता है या फिर जो भी चीज को स्टरलाइज करना है वो स्टरलाइज करेगा और जो एक्सेसिव स्टीम होता है वो यहाँ से रिमूव होते रहता है जब तक यहाँ का वाटर कम्प्लीटली आपका फिनिश नहीं हो जाता है। तो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसे हम कोच या फिर एरनॉल्ड स्टीम स्टरलाइजर कहते हैं। थर्ड टेम्परेचर है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया जाता है वो आपको बेसिकली इन्वॉल्व करता है वो स्टीम जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको मॉइस्ट हीट से डिस्ट्रॉय होते हैं क्योंकि इन सेल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो आपका कोएगुलेट कर जाता है। ठीक, तो अपॉन जब फिर हीट किया जाता है तो जो वेट प्रोटीन्स होते हैं वो आपको फ्री SH ग्रुप रिलीज करते हैं और स्मॉलर पेप्टाइड्स चेन्स जो होते हैं वो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं जो कि ओरिजिनल प्रोटीन मॉलिक्यूल से डिफरेंट होता है जिसकी वजह से सेल जो होती है उसकी डेथ हो जाती है। जो हम लेबोरेटरी एपरेटस यूज करते हैं स्टीम स्टरलाइजेशन के थ्रू जो कि प्रेशर के अंदर जिस स्टीम को हम यूज करते हैं उसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं और जो प्रिंसिपल होता है ऑटोक्लेव का उसमें ये होता है कि जब वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एक नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे तो जो पॉइंट होता है वाटर के बॉइलिंग का वो इंक्रीज हो जाता है अगर प्रेशर भी इंक्रीज किया जाता है। तो स्टीम अंडर प्रेशर के पास हायर पेनिट्रेटिंग पावर होती है तो जब भी ये स्टीम आपको किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके लैटेंट हीट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और जैसे कि घर का एक डोमेस्टिक प्रेशर कुकर भी है वो आपका एक सिंपलेस्ट ऑटोक्लेव कहला सकता है। ठीक, लेबोरेटरी ऑटोक्लेव या फिर प्रेशर कुकर टाइप ऑटोक्लेव जो होता है उसमें एक वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल सिलेंडर होता है गन मेटल या फिर स्टेनलेस स्टील का जो कि आपके चारों तरफ से एक सपोर्टिंग फ्रेम या केश के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर एक लिड होती है जो कि स्क्रू क्लैंप से अटैच होती है और उसके साथ ही उसके चारों तरफ एस्बेस्टस गैजेट किट होता है जिसकी वजह से जब वो क्लोज होता है तो एयर टाइट हो जाता है। ऑटोक्लेव के पास एक लिड होती है या फिर अपर साइड एक डिस्चार्ज टैप होता है एयर और स्ट्रीम के लिए और एक प्रेशर गॉज होता है और एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो कि आपको सेट किया जाता है कि वो किस डिजायर्ड प्रेशर पे आपको ब्लो ऑफ हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। ये एक आपका वर्टिकल ऑटोक्लेव है और ये एक हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये आपका कंटेनर है जो कि स्टेनलेस स्टील हॉलो वेसल है। ठीक है, ये इसका स्टैंड है, ये परफोरेटेड सेल्फ है और ये आपका जो है वो परफोरेटेड मेटालिक बास्केट है जिसके अंदर जो भी चीजें आपको स्टरलाइज करनी है वो इसके अंदर रहती है। यहाँ पे स्क्रू क्लैंप है, ये आपका लिड है, यहाँ पे आपका प्रेशर गॉज है, यहाँ सेफ्टी वॉल्व है और ये स्टीम वॉल्व है। ये क्लोज होती है फिर आपको फिर इसके अंदर जो भी चीज होती है वो स्टरलाइज होती है और ये आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ से होता है। ठीक, वर्टिकल ये तो वर्टिकल ऑटोक्लेव था, ये हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव में देखिए कि ये आपका मेन डोर है। ठीक, यहाँ ये आपका स्टीम चैम्बर है, स्टीम चैम्बर के बाहर ये स्टीम जैकेट है। ठीक, और यहाँ पे आपका ऑपरेटिव वॉल्व है, ये ऊपर में आपका स्टीम जैकेट और चैम्बर गॉज है। ठीक, और यहाँ पे वेंट है, यहाँ से आपका वेस्ट लाइन है, जो भी वेस्ट होता है यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ये आपका प्रेशर रेगुलेटर है, यहाँ पे थर्मामीटर है, यहाँ पे सेडिमेंट स्क्रीन है जिसके थ्रू आपका एयर बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पे एक परफोरेटेड सेल्फ है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर जो भी आपको स्टरलाइज करना है वो चीज आप रखेंगे। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि ऑटोक्लेव का ऑपरेशन कैसे है। तो जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है ऑटोक्लेव का, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम स्टरलाइज करना चाहते हैं। ठीक, एक स्टरलाइजेशन साइकिल में बेसिकली आपके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है लोडिंग एंड पैकिंग द ऑटोक्लेव, मतलब सबसे पहले हम जो भी सामान है, जो भी चीज़ हम स्टरलाइज करना चाहते हैं, उसको अंदर रख के उसको पैक करेंगे। फिर रेजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर टेम्परेचर और प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे। फिर होल्डिंग द लोड एट दिस लेवल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, फिर एक फिक्स टाइम के लिए हम उसी टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखेंगे। और डीप कूलिंग एंड अनलोडिंग, जिसमें कि हम पहले कूल करेंगे और जो भी चीज़ हमने स्टरलाइज करना है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए मेथड को हम देखते हैं। लोडिंग एंड पैकिंग द ऑटोक्लेव वर्टिकल, वर्टिकल ऑटोक्लेव में क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर ऐड करेंगे बॉटम में ऑटोक्लेव के, और जो भी आर्टिकल स्टरलाइज करना है उसको हम परफोरेटेड सेल में रखेंगे। जबकि हॉरिजेंटल में वाटर ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, आर्टिकल्स को इस तरह से प्लेस करेंगे कि स्टीम जो है उसके चारों तरफ, जैसे सपोज करिए ऐसे थोड़ी थोड़ी स्पेस पे करेंगे ताकि जो स्टीम है उसके चारों तरफ से उसको स्टरलाइज कर सके। और फिर कंप्लीट लोडिंग के बाद हम डोर को प्रॉपरली शट करके सिक्योर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद रेजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। वर्टिकल ऑटोक्लेव में जो डिस्चार्ज टॉप है टैप है उसको ओपन कर देंगे और सेफ्टी वॉल्व को हम एडजस्ट कर लेते हैं एक रिक्वायर्ड प्रेशर पे। जब एयर बबल्स आपका बाहर निकलना बंद हो जाता है डिस्चार्ज टैप से, तो इससे ये पता चलता है कि जो भी एयर है अंदर में ऑटोक्लेव के, वो आपका पूरी तरह से हट गया है। उसके बाद डिस्चार्ज टैप को हम क्लोज कर देंगे, फिर स्टीम प्रेशर जो है वो राइज होगा अंदर में, और जब ये आपके डिजायर्ड सेट लेवल पे पहुंचेगा तो जो सेफ्टी वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो एक्सेस स्टीम होता है वो एस्केप हो जाता है। और हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव में जब स्टीम अंदर की तरफ ऑटोक्लेव में एडमिट किया जाता है, तो जिसकी वजह से जो एयर आपका स्टीम चैम्बर में प्रेजेंट होता है वो आपका बाहर की तरफ डिस्प्लेस होने लगता है। उसके बाद जो टेम्परेचर को अलाउ किया जाता है कि वो तब तक राइज करे जब तक कि आपको सैचुरेटेड स्टीम एक गिवन प्रेशर पे ना मिले, आपको चैम्बर प्रेशर गॉज जो है वो ना शो करने लगे। उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप करते हैं, होल्डिंग द लोड एट द लेवल फॉर स्पेसिफाइड टाइम। जब आपका लोड ऑटोक्लेव में रेज हो जाता है तो स्टेलाइजिंग टेम्परेचर तक, तब हम क्या करते हैं उसको एक रिक्वायर्ड टाइम के लिए हेल्ड कर देते हैं। और जो होल्डिंग टाइम होता है स्टेलाइजेशन के लिए, वो आपका कुछ ऐसा होता है, टेम्परेचर 115 से 180 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम प्रेशर 10 और होल्डिंग टाइम 30 मिनट्स होते हैं। 121 से 124 टेम्परेचर पे स्टीम प्रेशर 15 और होल्डिंग टाइम 15 मिनट्स होता है। और 126 से 129 टेम्परेचर पे स्टीम प्रेशर 20 और होल्डिंग टाइम 10 मिनट्स होता है। और टेम्परेचर 135 से 138 तक स्टीम प्रेशर 30 और होल्डिंग टाइम आपका। इसके बाद कूलिंग एंड अनलोडिंग है आपका स्टेप। जब स्टरलाइजेशन पीरियड ओवर हो जाता है तो स्टीम सप्लाई जो चैम्बर को होती है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और ऑटोक्लेव को अलाउ किया जाता है कि वो कूल हो सके। और फाइनली ऑटोक्लेव को ओपन करके हम उसे अनलोड कर देते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमने स्टरलाइज करने के लिए रखा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। तो जो आपका स्टीम अंडर प्रेशर, जैसा कि एग्जांपल है ऑटोक्लेव में, वो आपको टोटली जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अदर मेथड जैसे कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के कंपैरेटिव ज़्यादा इफेक्टिवली किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये सूटेबल होता है आपको मेडिकल पैकिंग डिवाइस, क्योंकि इनका पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो इनकी एक्टिविटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की वो बहुत रैपिड होती है। और जो स्टरलाइजेशन साइकिल टाइम होता है वो भी बहुत रैपिड होता है। ये आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से बहुत ही लीस्ट अफेक्टेड होते हैं और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं पेशेंट, स्टाफ या फिर एनवायरनमेंट के लिए। साइकिल जो होता है वो बहुत इजी होता है कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए।
डिसएडवांटेज बेसिकली आपके हैं कि जो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए ये डेल्टेरियस हो सकता है, मतलब उन्हें डैमेज पहुंचा सकता है। जो माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपके रिपीटेड एक्सपोजर से डैमेज हो सकते हैं, और ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स को वेट रखता है जिसकी वजह से रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसमें पोटेंशियल्स फॉर बर्न्स मतलब कि स्टीम की वजह से आपके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एप्लीकेशन, जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है वो बेसिकली यूज होता है आपको बायोहजार्डस स्ट्रेस हीट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए, जैसे कि एक्वस कल्चर मीडिया हो गया, और ये यूज होता है आपको सर्जिकल ड्रेसिंग और मेडिकल डिवाइसेस के स्टरलाइजेशन के लिए। तो ये था अबाउट आपका फिजिकल मेथड के एक और मेथड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।